गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, पीपल एज रिसोर्स. यस, दिस इज द लेसन चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स. पीपल ऑफ ए कंट्री आर एन एसेट नॉट ए लाइबिलिटी. एसेट कहते हैं वरदान, लाइबिलिटी कहते हैं जिम्मेवारी. जो कंट्री के लोग हैं वो एक वरदान है, जिम्मेवारी नहीं है, बोझ नहीं है कोई हमारे ऊपर, लाइबिलिटी नहीं है हमारी. मान लीजिए एक कंट्री है, उसमें कोई भी नहीं रहता, तो वो कंट्री किस काम का? कंट्री तभी बनता है जब उसमें लोग रहते हैं, अदरवाइज वो कंट्री कंट्री नहीं कहलाता है, वो बेकार भूमि कहलाता है. तो बेटा लोग रिसोर्स कैसे हैं, पीपल एज रिसोर्स कैसे हैं, वो हमने इस लेसन में पढ़ना है. तो वो इसका मीनिंग ये आ गया कि जब कंट्री में लोग रहेंगे तो वो एक एसेट है, वरदान है वो कंट्री के लिए, नहीं तो वो खाली भूमि है. आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर है, वाटर है, लैंड है, ये हम यूज़ करते हैं. अगर हम ही नहीं होंगे, लोग ही नहीं होंगे, तो इन्हें यूज़ करने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं होगा. तो पीपल ऑफ ए कंट्री आर एन एसेट नॉट ए लाइबिलिटी. ट्रेंड ग्रेजुएट एंड स्किल्ड पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल कौन सी बनती है? हैं, हमारे पास लैंड कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल है, बहुत सारी कैपिटल्स हैं इस तरह से हम क्या देते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल कब बनती है? जब जो पॉपुलेशन होती है वो पढ़ी लिखी होती है, स्किल्ड होती है, ट्रेंड होती है, तब जाके वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है. लेकिन अनस्किल्ड कैपिटल को हम ह्यूमन कैपिटल नहीं कहते हैं. जो अनस्किल्ड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, अब जो स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, वो अच्छी जगह पे काम करेंगे. जो अनस्किल्ड होंगे वो क्या करेंगे? आपका मजदूरी का काम कर देंगे, कहीं वेटर लग जाएंगे, कहीं कुछ लग जाएंगे, जहाँ बिना पढ़े लिखे का काम होगा. तो अगर हमारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, ट्रेंड है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, पॉपुलेशन है, तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है. आजकल दूसरे देश क्या करते हैं बेटा, वो कहते हैं कि जो दूसरा कंट्री है उसको आगे मत बढ़ने दो. यही होड़ लगी हुई है सब में. मान लीजिए भारत को किसी कंट्री से पैसा उधार लेना है, ठीक है, वो कंट्री उस भारत को ये कहता है इंडिया को कि मैं तुझे पैसा तो दे दूंगा, लेकिन तू अपना पैसा दो चीज़ों में नहीं लगाएगा तब दूंगा. वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो एजुकेशन और दूसरी हेल्थ. इन दोनों में नहीं लगाएगा तो वो पैसा दे देगा. तो बताओ क्या हमें उस कंट्री से पैसा उधार लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी हम कहीं काम करने के लायक नहीं होंगे. जब तक हमारी हेल्थ ही अलाउ नहीं करेगी, हेल्थ पे हम पैसा नहीं लगाएंगे, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं खोलेंगे, हेल्थ अलाउ नहीं करेगी हमारी, तो हम क्या काम करेंगे? हमारा देश वैसे ही ख़त्म हो जाएगा. तो ऐसे कंट्री से हमें पैसा उधार नहीं लेना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स इज़ ए की ऑफ एन इकॉनमी. तो जो ह्यूमन रिसोर्स है यही हमारा इकॉनमी का, इकॉनमी की चाबी है, इकॉनमी को बढ़ाने वाली. GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. GDP जो है हमारी, ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है. पॉपुलेशन इज ए ब्लेसिंग इफ इट इज स्किल्ड एंड ट्रेंड. पॉपुलेशन कब ब्लेसिंग होती है, वरदान कब होती है हमारे लिए? जब पॉपुलेशन हमारी स्किल्ड है, ट्रेंड है. लेकिन यही अभिशाप बन जाती है, कर्स. इट इज ए कर्स इफ इट इज नॉट एजुकेटेड एंड ट्रेंड. अगर ये ट्रेंड नहीं है तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? एक अभिशाप. ह्यूमन कैपिटल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. ह्यूमन कैपिटल जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रिसोर्स है. इट मेक्स पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ अदर अवेलेबल रिसोर्सेज. मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आदमी ना हो, ह्यूमन कैपिटल हमारे पास ना हो, तो बाकी रिसोर्सेज का कौन बेस्ट यूज करेगा? लैंड है, वाटर है, एयर है, अगर ह्यूमन ही नहीं है तो उनका यूज कौन करेगा, लैंड का, वाटर का, एयर का? तो ह्यूमन कैपिटल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू एन एसेट. पॉपुलेशन जो है ये एक वरदान बन जाती है बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सेट्रा. जब हम अपना पैसा एजुकेशन में लगाते हैं, हेल्थ में लगाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लगा के उन्हें स्किल्ड बनाते हैं, तब हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए एक एसेट बन जाती है, वरदान बन जाती है. तो
इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स में प्रोवाइड हाई रिटर्न्स। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो ये हमें 4 गुना 10 गुना 50 गुना 100 गुना फायदा देती है, तो हाई रिटर्न्स देती है ये हमें। ए वर्चुअस साइकिल इज क्रिएटेड बाय एजुकेटेड पेरेंट्स, दे इन्वेस्ट मोर ऑन चाइल्ड एजुकेशन, दे टेक केयर ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। अब आप अपने पेरेंट्स की बात को ले लो, आपके पेरेंट्स आपकी कितनी देखभाल करते हैं, आपको स्कूल पढ़ाने भेजते हैं। अब अगर इस समय COVID-19 के कारण आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, तब भी घर बैठे आपकी पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं कि मेरा बच्चा घर बैठकर कैसे पढ़ाई करेगा, तो आपका आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाई क्यों कराना चाहते हैं, इतना पैसा आपकी पढ़ाई पे क्यों लगाना चाहते हैं, कुछ तो है ना पढ़ाई में, तभी लगाना चाहते हैं ना। तो बेटा स्किल्ड बनोगे आप, एजुकेटेड बनोगे, और दे टेक केयर ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और आपकी हेल्थ का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। तो दो चीज़ें आपके पेरेंट्स को इम्पॉर्टेंट लगती हैं आपकी, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। तो सम डेवलप्ड कंट्री लाइक जापान एक्सेट्रा हैव इन्वेस्टेड हैविली इन ह्यूमन रिसोर्स, कहते हैं जापान जैसे देशों ने हैविली इन्वेस्ट किया हुआ है किसमें, ह्यूमन रिसोर्स में। तो दस स्किल्ड पॉपुलेशन ऑफ दीज नेशंस हैव मेड देम डेवलप्ड नेशन, कहते हैं इसीलिए ये आज कंट्रीज जितने हैं ये डिवेलप्ड कंट्रीज हैं, आप डिवेलप्ड नेशन बन चुके हैं, जैसे जापान है आपका। तो देयर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी, कहते हैं तीन सेक्टर होते हैं इकॉनमी के, कौन कौन से, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर लैंड से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके कोई उत्पादन करते हैं, उसको प्राइमरी रिसोर्स कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है हमारा, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके कुछ प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बोलते हैं हम, जब जैसे मान लीजिए खेत में कॉटन उगी, कॉटन को हम क्या करेंगे, जब तक मशीनों वाले युग में हमें उसको भेजना पड़ेगा, तो मशीनें जहाँ हैं इंडस्ट्रीज में हैं मशीनें, हम कॉटन को इंडस्ट्रीज में भेजेंगे और इंडस्ट्रीज में जो कॉटन है वो जाके कपड़ा बन जाएगी। तो सेकेंडरी सेक्टर जो हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हुआ, प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल देते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल देते हैं। अब वो कपड़ा बाजार में कौन ले जाएगा, वो सर्विस सेक्टर ले जाएगा, टर्टियरी सेक्टर लेके जाएगा। तो होलसेल और बाजार तक वो कपड़ा किसने पहुंचाया, टर्टियरी सेक्टर में। टर्टियरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि ट्रक आ गया, ट्रक ने माल भर लिया और वो ले गया। अब ये जो टर्टियरी सेक्टर है बेटा, दोनों के लिए सपोर्ट का एक सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में खेत में कॉटन उगी, ठीक है, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज में कपड़ा बन गया, और टर्टियरी में, टर्टियरी ने दोनों की हेल्प कैसे की, कॉटन टर्टियरी सेक्टर ने ट्रक भेजा और मान लीजिए उसको कॉटन को उठवा के इंडस्ट्रीज में भेज दिया, इंडस्ट्रीज ने कपड़ा बनाया, तो फिर टर्टियरी ने अपना ट्रक भेज के और सारा बाजार में होलसेल मार्केट में और रिटेल में वो कपड़े को भेज दिया। तो इस तरह से ये तीनों सेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के पूर्ण हैं। वो कैसे हैं, मान लीजिए प्राइमरी ना हो तो सेकेंडरी क्या करेगा और टर्टियरी क्या करेगा, जब तक कॉटन ही नहीं उगेगी कपड़ा कहाँ से बनेगा और कपड़ा फिर मार्केट में कहाँ से पहुंचेगा, शुगर केन ही नहीं उगेगा खेतों में तो शुगर केन नहीं उगेगा तो गुड़ कहाँ से बनेगा, खांड कहाँ से बनेगी, चीनी कहाँ से बनेगी, तो टर्टियरी सेक्टर का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। तो ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड विद लैंड कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर, जो एक्टिविटीज लैंड से रिलेटेड होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, इसमें सारी इंडस्ट्रीज आ गई, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, तो इंडस्ट्रीज कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। सेक्टर विच प्रोवाइड सर्विसेज इज कॉल्ड टर्टियरी सेक्टर, जो सेक्टर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे हम टर्टियरी सेक्टर कहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, जैसे हम लोग भी जॉब करते हैं तो सर्विस सेक्टर में टीचर्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, कॉबलर आ गया, ठीक है, आपका बारबर आ गया, धोबी आ गया, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इवन अब तो जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, ये सब सर्विस सेक्टर में आ गए। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही है मेरा ये लेसन, अगली वीडियो में मैं 16th पॉइंट से स्टार्ट कर दूंगी ये लेसन। आप तब तक के लिए ये वीडियो देखें।
थैंक यू बेटा।